दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और साइड में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं गुरसेवक सिंह, आपका फिजिक्स टीचर, आपके सामने आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। एंड ये पर्टिकुलर वीडियो आपकी 12th क्लास के लिए हुई और टॉपिक का नाम होगा सेल। तो भाई बढ़ते हैं अगले अपने टॉपिक की तरफ। सेल, व्हाट इज सेल? बेसिकली इज अ डिवाइस व्हिच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसमें आपके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव का, एक होता है नेगेटिव का। ठीक है, तो जो बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव का होता है, जो छोटा वाला होता है वो नेगेटिव का होता है। हम बेसिकली ये कहते हैं कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? पॉजिटिव एंड से नेगेटिव की तरफ। कौन सा करंट? कन्वेंशनल करंट। कौन सा? कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेल के टाइप। सेल दो तरह का होता है, ठीक है, एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल बेसिकली वो जो एक बार यूज करने के बाद उनको फेंक देते हैं, मतलब वो बेसिकली दोबारा रिचार्ज नहीं करे जा सकते। दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेल्स, जिनको हम स्टोरेज सेल का भी नाम देते हैं। ठीक है, स्टोरेज सेल इसलिए क्योंकि इनको अपने लोग बार बार यूज कर सकते हैं। तो जैसे प्राइमरी सेल में एग्जाम्पल्स थे लाइक लेंचे सेल और डेनियल सेल, और उसी तरह से आपको जैसे सेकेंडरी सेल है इसमें एग्जाम्पल्स आए थे लेड एक्यूमुलेटर और निकल आयरन सेल। इस निकल आयरन सेल का दूसरा नाम होता है एल्केली सेल, इसको एल्केली सेल भी कहते हैं। और जहां तक है इसको एडिसन ने डिजाइन करा था, इसलिए इसको एडिसन सेल भी कहा जाता है। ठीक है, फिर ये तो होगी सिंपल एक नॉलेज यार सेल के बारे में। तो सेल के अंदर बेसिकली क्या क्या होता होगा? इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कंप्लीट यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करता हूँ एक सेल की, तो इसमें इलेक्ट्रोड्स, बीच में इसके इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और जब आपका करंट एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्लो करता है, बीच में अगर आपने कुछ समथिंग रेजिस्टेंस लगा रखा होगा तो वो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, बाहर आपका करंट फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, पर जब अंदर आपका करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो वहां पर रिस्पॉन्सिबल कौन होता है करंट को फ्लो करने में? आयंस। कौन? आयंस। कंपटीशन अगर आपने पार्ट टू देखा है तो मैंने उसमें बता रखा होगा कि लिक्विड्स के अंदर जो आपका करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है? आयंस होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली सेल का तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ये हो गया ना, और इसका मतलब अगर ये हो गया कि अगर एक पर्टिकुलर करंट जब फ्लो कर रहा है कंप्लीट सर्किट में, तो बाहर का रजिस्टर अगर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ तो क्या मैं अंदर का भी रजिस्टेंस इंक्लूड करूँ जहाँ पर एक करंट फ्लो कर रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर भी एक रजिस्टेंस होगा जिसको हम लोग नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या नाम देते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, तब तक अपने लोग इस टॉपिक पर आते हैं बैटरी। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये भी आसान सा टॉपिक है। एक से ज्यादा सेल जब आप एक लाइन में लगा देते हो, सीरीज में लगा देते हो, तो उसको नाम दे दिया जाता है बैटरी। जैसे ये दो सेल लग गए तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गई? बैटरी बन गई। ठीक है, तो अगर सेल भी कुछ इस तरह से लगे हो, ध्यान से देखो कैसे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, आपका पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़े हो, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़े हो, तो वो बैटरी बन जाती है। ठीक है, अपोजिट टर्मिनल्स जोड़ रहे हैं आपस में, तो वो बैटरी कहलाती है। ठीक है, बैटरी का जो कैपेसिटी होती है, उसको स्टोरेज डिवाइस जो आपका बेसिकली है बैटरी, उसको मेजर करने की जो कैपेसिटी है वो कैसे करते हैं? इट इज बेसिकली मेजर्ड इन एम्पियर आवर्स। किसमें? एम्पियर आवर्स में। बिल्कुल, पहली बार आपने सुना होगा एम्पियर आवर्स में बैटरी की कैपेसिटी को मेजर करा जाता है। तो ध्यान से देखिए, 1 एम्पियर इनटू 1 आवर, तो 1 एम्पियर का मतलब हो गया चार्ज इज इक्वल टू क्या था? क्यू इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, तो आई विल बी इक्वल टू व्हाट? क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो अगर करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, तो उस समय चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 कूलम। टाइम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 सेकेंड। तो आप क्या लिख सकते हो 1 एम्पियर की जगह? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड इंटू 1 आवर की जगह 3600 सेकेंड्स। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 1 AH इज इक्वल टू 3600 कूलम्स। तो एक नई चीज आपको देखने को मिलती है यहाँ पर कि कैपेसिटी का एक बड़ा यूनिट भी है, वो क्या है? एम्पियर आर्स, और वो क्या है? कूलम से ज्यादा बड़ा होता है। तो अगर कोई रिलेशन पूछ ले, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पियर आर्स एंड कूलम्स, तो 1 एम्पियर आर्स इज इक्वल टू 3600 कूलम्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ये कंपटीशन में आती है कि भाई बैटरी की कैपेसिटी कितनी है,
तो बेसिकली व्हाट डज इट मींस, इट मींस कि 1 एम्पियर ऑफ करंट इफ यू आर टेकिंग आउट फ्रॉम अ बैटरी देन योर बैटरी इज गोइंग टू वर्क फॉर 1 आवर। अगर आप 1 एम्पियर का करंट अपनी बैटरी में से ड्रॉ कर रहे हो तो बैटरी कितना टाइम चलेगी? 1 घंटा चलेगी। वो डिपेंड करता है डिवाइस के ऊपर, आपने डिवाइस कौन सा लगा रखा है। अगर आप 0.5 एम्पियर्स का करंट ड्रॉ कर रहे हो बैटरी में से तो ऑटोमेटिकली इट इज अंडरस्टूड वो 2 घंटे चल जाएगी भाई, ठीक है। अगर आप अपनी बैटरी की कैपेसिटी को मतलब उसकी पर्टिकुलर लाइफ को बढ़ाना चाहते हो तो कहा जाता है कम से कम करंट ड्रॉ करिए। इन्वर्टर्स के ऊपर ज्यादा लोड डालिए क्या होता है, उसी समय बंद हो जाता है। तो इसका मतलब लोड ज्यादा नहीं डालना है अगर आप चाहते हो। तरीके कहते हैं ना कि अगर घरों में लाइट नहीं आ रही है काफी दिनों से कम लोड डालिए इन्वर्टर पे, वो ताकि वो ज्यादा दिनों के लिए चले। तो वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर है कि अगर 0.25 एम्पियर का अगर मैं करंट ड्रॉ करता हूँ तो देखिए कितना फर्क पड़ जाता है। 4 घंटों के लिए वही सेल चलेगा जो पहले 1 घंटे के लिए चल रहा था, बट उस समय मैं करंट को कितना निकाल रहा था, 1 एम्पियर। तो अगर यूज नहीं है ज्यादा तो ज्यादा करंट उसमें से विड्रॉ ना करें, कम से कम करंट को आप विड्रॉ करने की कोशिश करिए। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी क्या कहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। इंटरनल रेजिस्टेंस जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था ये टॉपिक भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं एक सेल लगा देता हूं यहां पर, ठीक है, एक सेल लगा दिया मैंने, ठीक है, इस सेल के साथ मैंने लगा दिया यहां पर एक रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अगर मैं सिंपल सेल की बात करता हूं तो इस सेल में क्या क्या है, इस सेल में इलेक्ट्रोड्स है या नहीं? बिल्कुल है। इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो अगर कोई ये पूछ ले कि भाई व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स, तो भाई 2 फैक्टर्स आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं और बात करता हूँ इसका अच्छे से आंसर देना चाहता हूँ तो पहला आंसर क्या होगा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड कितना है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है, क्या है क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड ये आपका एक पहला टॉपिक है, ठीक है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है भाई, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर तीसरा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए भाई। फिर चौथा क्या कहता है, चौथा कहता है टेम्परेचर। भाई रेजिस्टेंस की तो अगर बात करें वैसे ही पहले पढ़ चुके हैं टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो टेम्परेचर क्या है उस इलेक्ट्रोलाइट का उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर होता है कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ठीक है, ये कुछ आपके फैक्टर्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ इतना ही बढ़ाऊंगा, अगली वीडियो में मैं और कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस का और आगे का जो पार्ट है वो लेके आऊंगा। अभी के लिए इतना, थैंक यू सो मच।